अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमार एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्नो हैक्स। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक वेबसाइट जिसका नाम चैट जीपीटी है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हर जगह पर इस वेबसाइट के चर्चे हो रहे हैं, यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाए और गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी इस वेबसाइट के बारे में हैरान। तो आज के स्टूडियो में बताऊँगा कि चैट जीपीटी एक्चुअली है क्या और हम इससे कैसे काम कर सकते हैं और हम इसे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी एक कह लें कि एक रोबोट टाइप है जिससे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका आंसर दे देगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं उसको वो गूगल से कंपेयर करते हैं। तो गूगल एक ब्राउज़र है, ठीक है। गूगल पे आप जो चीज़ सर्च करेंगे, गूगल आपको उस चीज़ के मुकाबले, मतलब आप कोई भी मूवी सर्च करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, तो वो उस वेबसाइट्स पर ले जाएगा आपको जहाँ पर वो चीज़ पड़ी है। जबकि चैट जीपीटी आप जो सर्च करेंगे उसका वो आपको आंसर देगा। यानी फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं कि कैलकुलेटर की कोडिंग क्या है, तो आपको सारी जो कैलकुलेटर की कोडिंग है वो आपको दे देगा। इसके अलावा वेबसाइट की कोडिंग वगैरह उस पर पूछ सकते हैं कि वेबसाइट की फ़लाँ वेबसाइट की, मतलब आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको कोडिंग वगैरह आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान हैं कि अब सारा कुछ तो चैट जीपीटी से मिल जाता है, तो उस वजह से उनकी जॉब भी जा सकती है। तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि जो कोडिंग आप वहाँ से लेते हैं वो 100% सही नहीं हो सकती, मतलब कोई ना कोई बग अंदर हो सकता है। तो इस बग को ट्रेस करने की ज़ाहिर बात है कि एक्सपर्ट बंदे की भी ज़रूरत होती है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों की जॉब्स को कोई ख़तरा नहीं है आप, लेकिन आपका काम इससे बहुत आसान हो गया। मतलब स्टडी के लिए अगर आप इसको यूज़ करें तो आप बहुत ईजी इस पर अपना काम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग वगैरह कोई लिखते हैं तो आपको झिझक महसूस होती है और आप मतलब नहीं लिख पाते, तो आप सिंपल जाके वहाँ पे ब्लॉग टाइटल सर्च करेंगे, वो आपको पूरा ब्लॉग लिख के वहाँ पे दे देगा। या फॉर एग्जांपल आप रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम रोनाल्डो के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं या कोई भी स्टार जो फेमस है उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम सिंपल जाके बजाय के रिसर्च करें, सिंपल जाके चैट जीपीटी पे उसका नेम लिखें और बताएं कि आप क्या इसके बारे में चाहते हो, पूरा आपको ब्लॉग या कोई पैराग्राफ की सूरत में आपको दे देगा। तो इस टाइप के हम काम चैट जीपीटी से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको कोई बग वगैरह मिल रहा है तो आप कोड अपना चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप इसको अपने लैपटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल मोबाइल फ़ोन से समझाऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपने सर्च करना है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी लिख के आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आ रही होगी, ओपन एयर चैट जीपीटी, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ लॉगिन आ जाएगी, लॉगिन पेज आ जाएगी, ठीक है। आपने सबसे पहले उसको लॉगिन कर, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो तरीक़ों से इसको साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। एक साइन इन आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल और दूसरा आ रहा है ईमेल, ठीक है। आप सिंपल इसको कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके आप इसको साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी गूगल अकाउंट है आपने वो लगा देना। तो उनमें तो यहाँ से मैं अपना मेन गूगल अकाउंट यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एक या एक से ज़्यादा गूगल अकाउंट्स हैं तो आपके सामने कुछ एक एरर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है सिर्फ एक ही अकाउंट इसके लिए रखें, ठीक है। तो इसके बाद आपको कुछ इस टाइप की ऑप्शन आ जाएगी, तो यहाँ पर आप ऑप्शनल नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑप्शनल नेम यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपने अपना WhatsApp नंबर ऐड कर सकते हैं या अपना मोबाइल फ़ोन नंबर आपने ऐड कर देना। तो जैसे ही आप WhatsApp नंबर सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपका कोड रिसीव होगा। जैसे आप देख सकते हैं मुझे ये कोड रिसीव हो चुका है, तो आपने वो कोड यहाँ पे एंटर कर देना। तो इसके बाद आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस आ रही होंगे, आप इसको कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ आई एम कंडक्टिंग AI सर्च, ठीक है। आप कोई भी ऑप्शन पढ़ के अपने मुताबिक आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू टू एन अकाउंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो
लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्च बार है, आप जो भी सर्च करेंगे आपको इसका आंसर इजी मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड सर्च कर लेता हूँ, हाउ टू मेक कैलकुलेटर, ठीक है। मैं वो यहाँ पे वो लिख के सर्च कर लेता हूँ, हाउ टू मेक कैलकुलेटर, ठीक है, ये लिख के यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो ये आपको, तो आप फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो ये आपको बता रहा है कि आप कैसे कैसे उसको बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मुकम्मल आपको बता देगा आपके कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सी बेहतर है, कि कंप्लीट आपको बता देगा। यहाँ तक अगर आप इसके कोडिंग मांगे तो आपको वो भी लिख के दे देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसका कोड सर्च करते हैं, कैलकुलेटर कोडिंग लिख के यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर बनाने के लिए जो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी वो आपको कोडिंग करके भी यहाँ से दे देगा। तो ये 100% नहीं, लेकिन 90% तक ये कोड सही है और सही वर्क भी करता है ये कोड। तो ये बेसिकली बनाया गया है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह ये लेवल पे आप कोई भी कोडिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई भी आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। तो आप इसे यूज़ करके बहुत सारा फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक कैलकुलेटर बनाने के लिए जो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी वो इसने तकरीबन यहाँ पर सारी लिख के दे दी है, और ये आगे और कोडिंग भी कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे इस टूल के थ्रू आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारे तरीके इसके बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करना, और चैनल पर हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करना, तो क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।